पाँच चार चाटे लगाएंगे, ये हमारे पास है वो कान कान शोध इसको बोलते हैं, एक लगाया इधर एक लगाया इधर, मोदी सेट। आज हम मौजूद हैं नया गांव जो कि पकौड़ा चौक के पास पड़ता है, यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग हुई थी और वहाँ पे एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान जुटेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन दिखाएंगे। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम बेटा जिला पटियाला, नाम मेरा बलिहार सिंह, गांव माड़ू जिला पटियाला। सर आपकी उम्र कितनी होगी? 72-73। सर आप यहाँ पे कितने टाइम से बैठे हुए हैं? बेटा मैं 2-4 दिन गया था गांव में, उसी दिन का आया। वाले किसान नहीं कि समझाओ तो समझना नहीं, उठो तो उठना नहीं, आप तो एक सीटी मारो सब रेडी। सर अब आप लोगों का क्या, कितने टाइम तक बैठने के सर आप लोगों का विचार है? और आप लोग एक चीज़, एक क्वेश्चन और है कि आप लोग सरकार के विरोध है या बिल के विरोध में है सर? दोनों के विरोध में है, पहला तो बिल जी सर, दूसरा सरकार। ये छड़ा पार्टी है, छड़ा पार्टी, इनका ना लड़की ना बहन ना माँ, तो जिसकी लड़की नहीं बहन नहीं माँ बेचारी 80 साल की है, वो माँ तो जन्म दे देती, उसको क्या पता ये कैसा है बनेगा। तो जिसके पास कोई पति जी नहीं, कोई भांजी नहीं, कोई कोई लड़की नहीं, कुछ नहीं, तो उसको क्या पता है परिवार क्या चीज़ होता है, ना मोदी को ना जोगी को। मोदी नहीं, ये बोदी सरकार है, बोदी हैं, ना खट्टड़ को ना पट्टड़ को, ना बादल को ना शादल को, सभी महकमा गंदा है। बस इनको सभी को पता था, हमको बहलावे में रखा, हमको पता है 97 का, हम 84 से जुड़े हुए हैं। कोई यहाँ प्रधान को 10-20 आदमी ये जितने खड़े, कोई मुझे बता दे, और भी उम्र वकाला बता दे कहाँ कहाँ पंजाब में रैलियाँ हुई हैं, हिंदुस्तान में हुई ने, तो मैं यहाँ नाम छोड़ सकता हूँ, पर छोड़ूंगा नहीं, क्यों छोड़ूंगा। नंबर दो, यहाँ सबको आना चाहिए, बीबियों को, बच्चों को, औरतों को, ये हमारे रोटी रोजी का सवाल है। तो ये इनको क्या पता है क्या औरतें होती हैं, क्या तियाँ पहना, बच्चे क्या होते हैं, कैसे इनको पालन पोषण करना है, क्या करना है। इनको तो 2-4 वो कानून दिख रहे हैं, इनको 130-135 करोड़ पब्लिक नहीं दिख रही, इनको तो 5-4 हज़ार, कभी कोरोना आ गया, कभी 70 हटा दी, कभी कुछ कर दिया, कहाँ कोरोना है, कोई कोरोना नहीं। भाई मैं अभी आपसे पूछने वाली हूं। एक मिनट, 117 MLA हमारे पंजाब में, तो 150 हरियाणा में भी होगा, और भी जितने MLA हैं हिंदुस्तान के, MP हैं 540-545, कोई मरा कोरोना के साथ, कोई बड़ा आदमी मरा, फिर कहाँ कोरोना है। हमारे लिए कोरोना, हमारे एक लड़का 7.5 फुट उसका कद, 1.65 किलो वजन, तड़के बीमार होया गया, रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गया उसका, शाम को मरा भी आ गया, पुलिस आ गई, सरकार भी कर दिया, इसके पास ना जाओ, इसके ये ना वरो, क्या कोरोना है, कहाँ कोरोना है। हमको कोरोना क्या करेगा, सारा दिन काम करने वालों को, धूप में रहने वालों को, ठंड में रहने वाले को, बारिश में रहने वालों को, कोरोना उनको होएगा जो बेले रहते हैं, जो बर्गर कुचले खाते हैं, जिनके पास पैसा है, जो सो नहीं सकते। हमको तो ये जिम्मेदार है ना, तो हमको वहाँ आज यहाँ ना वो सरसों दिखते हैं, वहाँ रात को हम वहाँ भी सो सकते हैं, हमको क्या फिक्र है। सर वही मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप लोग इतने टाइम से यहाँ पे बैठे, तो यहाँ पे कोई भी एक कोरोना का केस नहीं आया है? ही नहीं कोई कोरोना है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से है? अब इन्होंने ये पॉजिटिव आ गई, ये फलाना आ गया, ठमकाना आ गया, सब इसने पता क्या करया, इसने पहले रगड़ी कश्मीर, फिर इसने सोचा कि अब पंजाब वाले हैं वो सिर उठाते हैं, उसको रगड़ दो, हरियाणा वाले भी ऐसे काम कर लेंगे, तो यूपी वाले बेचारे भैया लोग ने हमारे राजा राजस्थानी हैं, तो उनको तो फिर सफाया कर देंगे हैं। तो हमको पता ही नहीं, ये बोलता है कि इनको समझ नहीं। हमारे गांव के, हमारे शहरों के लोक वकील
मंत्री संतरी सारे पटियाला भी, इनका बाप पटियाले वाला राजा भी तो पटियाले का ही है। तो हमको क्या पता ही नहीं, इनको इनको बतान भाई खेत में बीज कितना पड़ता है, इनको इनको खेती का पता नहीं, कितनी पानी लगाते हैं, किस मौसम में बीज बोता जाता, कब काटते हैं, कैसे काटते हैं, इनको पता है हैं? बोलते खेती कानूनों के बारे में इनको पता ही नहीं हैं। इनको से गर्दन से पकड़ के चार लगा दे चाटे, दिमाग इनका बिगड़ा सेट हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे बस, और इतना बहुत काम नहीं, पर हमारे काबू नहीं ना आ रहे। अगर आ जाएं काबू मारेंगे नहीं इनको, बस पाँच चार चाटे लगाएंगे। ये हमारे पास है वो कन कन शोध इसको बोलते हैं, एक लगाया इधर एक लगाया इधर, मोदी सेट हमने मार के उसके पास के क्या लेना है उसको, ना कोई रोने वाला ना कोई बात, माँ उसकी वो बेचारी वैसे ही मर जाएगी, पता लग गया मर गया। उसने इसको समझाया ना इनको छेड़, हम गुरु गोबिंद सिंह के बेटे अंशवंश हैं, हमने नक्के लगा दिए अफगानिस्तान की तरफ जहाँ से वो मुसलमान आते, तो ये क्या चीज़ है हुँ? बात ये। सर हमारे माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे जनता को और सरकार को? जनता को हम कहते हैं भाई यहाँ आओ, यहाँ मर गई माऊ जी कोई नहीं कहीं। ये तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने 1699 में संगत को बुलाया था, जब सिख तैयार किए थे अमृत पान करवाया था, तो उस टाइम 80,000 आनंदपुर साहब संगत चली गई थी। तो अब यहाँ ये धरती है गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत की, गुरु हरकृष्ण महाराज जी यहाँ ज्योति जो समाए, बंदा सिंह बहादुर भी यहाँ शहीद होया, 700 और बच्चे बच्चियाँ उसके साथ शहीद हुए सिंह सिंघणियाँ। तो हमको ये पंजाब है, पंजाब में बैठे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हमने कभी दिल्ली लोगों ने देखी नहीं, दिल्ली आते हैं चार चवेरे घूम के चले जाते हैं। हम एक दिन में इनकी बस करा सकते हैं। हमारा भी एक भाई बेकार जा रहता है यहाँ, हिंदी बोलता है वो भी, पर हिंदी पंजाबी का कोई चक्कर नहीं, वो भी ऐसे ही। अगर हम इनका रोटी पानी सब बाहर से बंद कर दें, ये बादल का लड़का बादल की वो सिमरो कहती थी कि ये RDX बहुत अच्छे हैं, बादल भी कहता था बुडड़, वो अमली भी कहता था सुखा हैं, तो मजीठी भी कहती थी, मजीठी जो इसका साला सूला है वो भी कहता था बहुत अच्छे हैं। जब उनका खाना पानी किया ना बंद, तो उसी टाइम वो लिख के दे दिया वहाँ दिल्ली उस सिमरो ने, चलो आ गई। हमने शहादत देती, शहादत दी है उसने भगत सिंह ने, शहादत दी करतार सिंह सराबे, लाला लाजपत राय, मदन लाल टिंगरे, ऊधम सिंह, उन्होंने शहादत, इन्होंने क्या दिया है, इसका खून तो कहीं सिमरों का निकला नहीं, सुर्खी निकला थी यहाँ से थोड़ी जी कभी कभी हुँ? तो ये अच्छे नहीं लोग, ये हमको फेल करने चाहते हैं। हमारे पर गुरु महाराज की दया है, कुछ नहीं हम का बिगड़ेगा, इनका कुछ रहेगा नहीं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकता? नमस्कार, गौरप्रीत जी। सर आप यहाँ पे कितने टाइम से बैठे हुए हैं? जब से आंदोलन शुरू है। सर आपको यहाँ पे बैठ, जैसे कभी वेदर चेंज होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सर आपको, हेल्थ को लेके और रहने को लेके? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थे ठीक है, जैसे वेदर चेंज होता है वैसे ही हम अपनी चेंज कर लेते हैं लोकेशन। जैसे अब सर इतनी गर्मी होने वाली है, क्योंकि जो मौसम विभाग है उन्होंने भी बता दिया है कि मार्च तक, तो मार्च में तो गर्मी बढ़ेगी, तो सर उसके लिए आप लोग क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं? हाँ मैडम, जड़ा शेड पाई जाने असं ऐसे गर्मी वास्ते ही पा रहे हैं, भी गर्मी तो बचन वास्ते सर लावांगे या AC ला लांगे, जड़ा कुछ चीज लगी वही लावांगे। सर तो ये पक्के घर बना रहे हैं आप अभी? हाँ जी पक्के घर। सर कब तक बैठने का, कब तक बैठेंगे आप यहाँ पे? जब तक हमें कानून वापस नहीं होते सर। और एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, जैसे आप लोग युवा हैं, आप लोग जनरेशन है, एक नई जनरेशन है, तो सर आप लोगों का इस बिल को लेके क्या कहना है? हम का क्या, सबका ही है, सबके लिए है, बिल हानिकारक ही है, फायदा तो किसी को नहीं होगा इस बिल का। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ मंगल सिंह। सर आपकी उम्र कितनी हुई थी? 90 की। 90 ईयर्स के है सर आप? हाँ। सर आप यहाँ पे कितने टाइम से बैठे हुए हैं? हाँ? कितने टाइम से आप यहाँ पे? आई थे। हाँ जी आंदोलन के साथ कब, कितने टाइम से? गया ही नहीं मैं था। आप गए नहीं? हाँ जी दंड शुरू हुआ, गया ही नहीं मेरा। सर अभी जैसे ये कोरोना भी चल रहा है और वेदर भी चेंज हो रहा है, काफी गर्मी आ रही है, तो आपको कोई असुविधा नहीं होती, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आते? नहीं कुछ नहीं, मैं तो चाय नहीं पीता, कुछ नहीं करता।
सर तो आपकी क्या मांग है सरकार से? सरकार से आपकी क्या मांग? कुछ नहीं मांगा ना, सरकार देने वाली है गंदी सरकार एक ही दे दूंगा। तो सर आपकी कुछ तो मांग होगी, जैसे ये किसान बिल को लेके सबकी मांग ये है कि कानून सारे का फैसला कर देना, ना वो जिंदे रह जाएंगे ना ऐसी रह जाएगी, फैसला तो ही होता है। सर जैसे आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो कभी कोई प्रॉब्लम्स आती है आप लोगों को? जैसे कि हम ये भी सुनते हैं कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं, तो सर उसके बारे में? सीधा सीधा ना लाख रुपया दे, 5-10 लाख रुपया जेडे साडे प्रधान है ना, 10 लाख जो बंदा मर जाए 10 लाख रुपया दे। तो सिर्फ आपके जो प्रधान हैं उनके थ्रू आपको हेल्प मिल रही है, यहाँ के जो सरकार है उनके थ्रू आपको कुछ भी नहीं मिल रहा सर? ना डक्का नहीं देंगे, इन्हें नहीं की देना, सरकार ने की देना, सरकार तो लेंदी है। सर आप लोगों को कभी कुछ, आप लोगों ने इलेक्ट करके एक सरकार बनाई है, जैसे कि हरियाणा में दिल्ली में जो सरकार बनी है जो हरियाणा की है, तो सर आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि आपके वोट जो है वो जाहिर गए? हाँ वोट आए थी इन्होंने पाइया सारा कुछ किया है, तो साढ़े तो वैर पै गए असी, इन्हें तो हूँ की लेना है, अं तो मरा ज मारा इन्हों फिर ही साढ़िया पैलियाँ छड़न गए। ठीक है बिलू, जो हूँ तुम मैनू मारन आ गए मैं भी ढिल नहीं करनी, हूँ जो सानू मार नहीं पै गए हे तो असी इन्होंने ढिल थोड़ो करनी है, जो तो हम 10 दिन वे ने 20 दिन वे ने, जे ना हटे तो फिर तो उत्थे मरेंगे मारा पैलियाँ च वड़ नहीं देना। अच्छा जी बीबा साहब जी, पहला मैनू ए थी बई मेरी उम्र हो रही है 85 साल की, बई तेरे को दिल्ली जा नहीं जाना, जदों पहले पहले दिन आया आप 26 तरीक उदों मेरा जी करता थी भी मैं जावा जरूर दिल्ली, तो महा दिल्ली अपने को बैठना उठना तुरना औखा है भी अपने को जाया नहीं जाना। अच्छा जी उस तो बाद अपना लहरा बुला के उत्थे धरना लगता है, उत्थे जाते होंगे असी रोज़, हुण असी आ गए उदें अपनिया बीबिया भैनों नूं लेके ही 8 तरीक तो पहला आए हैं, जिदी एक दिन अपने अंदोलन बिच, अपने अंदोलन बिच आ गए जदों बहुत बड़ा इकट्ठ होया उरे, बहुत बड़ा इकट्ठ लाए, फिर बीबा साहब जी मेरा उरे मन लग गया भी आपां तां हुण इत्थे इत्थे ही रहांगे, अपनिया हक लेके जावांगे असीं, जिहड़े अपने हक नहीं, आपां ने किसी का हक लेना नहीं, ना किसी का पत्ता तोड़ना, ना किसी नूं माड़ा बोलना, तो अपने प्रेम प्यार दे नाल अपने हक लेके जावांगे, जदों सारिया संगतां नूं हक मिल गए उरों तंदरुस्तियां नाल जावांगे जित के, वाहिगुरु कोलों यही असी मंग मंगदे हां भी साडे हक दवा के तोरी, किसी का भी नुकसान ना हो, ना उन्हां दा वो भी अपने ने ना अपना नुकसान हो। बता दीजिए कि आप यहाँ पे कितने टाइम से हैं सर? हम तो 3 महीने 15 दिन से हैं इधर। सर अब आप लोगों की क्या मांग है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा जब तक आप लोग यहीं पे हैं? हाँ जी 2 साल रहे 3 साल हो जाए, मतलब सर आप लोगों की ना जो मकान बना रहे हैं, सर आप लोगों की फंडिंग पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस उठते हैं कि आप लोगों की फंडिंग कहीं बाहर से आती है, तो इस पे क्या कहेंगे? हमारे को तो आ नहीं रही, जिनके खाते में आ रही होगी उनको पता होगा फंडिंग के बारे में, हमारे खाते में तो एक आना नहीं आया किसी का भी। सर अगर जैसे हम मीडिया से हैं, आप हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे सरकार को या जो जनता है उनको कुछ कहना चाहेंगे सर आप? हम कहते हैं कि सरकार हमारे पर जो शक कर रही है फंडों के ऊपर, हम अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए अपना घर बार सारा कुछ बेच के लगा देंगे, हमारी रोजी रोटी आओ वो हम उसको जाने नहीं देंगे किसी हालत में भी, समझे? तो हमारे पैसे की क्या परवाह है, पैसा तो फिर आ जाएगा, बात फंडिंग की है ना, फंडिंग हम क्या करना है फिर फंडिंग अगर हमारी ज़मीन नहीं रही तो। सर आप कितने टाइम से यहाँ पे बैठे हैं, आपका जो फसल है उसका कितना नुकसान हो गया होगा अब तक सर? नुकसान तो होता है, क्या करें, हम टर्न बाई टर्न मतलब कभी बेटे को भेजता हूँ, कभी बेटा मेरा इधर आता है मैं उधर जाता हूँ, तो हम तो सर ये तो सरासर फिर जो लोग बोलते हैं कि आप लोग सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं, ये तो सब कुछ गलत ही है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग अन्नदाता है, तो आप लोग जब सबके बारे में सोच रहे हैं तब आप लोगों के बारे में ही नहीं सोचा जा रहा है? नहीं सोच रहा, जिसने रोटी खानी है उसको सोचना चाहिए। नहीं सर मैं सरकार की बात कर रही हूँ, सरकार आप लोगों के बारे में नहीं सोच रही है? सरकार ने तो सोचा फिर कानून ही नहीं लिया, असीं उरे सारे आपके परिवार नाल, मेरी छोटी जी गुड़िया, मेरा मुंडा आया हुआ नाल, मेरे घर वाली सी चारे जी आए हुए उरे, उत्थे पिछे बैठे और हुण ही गया, तो पिछे जिहड़ी साडी फसल आ जां होर घर दीआं लोड़ां ने, उह पिछे वाले लोग पूरे कर रहे जिहड़े पिंडां च बैठे आ, कणक भी उन्हां ने रवाई आ, बीजी भी उन्हां ने, वढ़नगे भी उही, तो होर भी जिहड़ियां लोड़ां ने रेह सिट्टी आ सारा कुछ उन्हां ने कीता,
पूरा पिछों सहयोग आ सानू साडे लोकां दा ते उह वारियां दे हिसाब नाल आ रहे असीं उरे पक्के बैठे हां ते पिछले दिनां च जी सारे परिवार दे समेत उत्थे बैठे हां असीं 204 नंबर ते तुसीं चल के देख लो परिवारां समेत लोक आ रहे कोई सानू कोई परवाह नहीं कोई टेंशन नहीं और हमारा इतना कोऑपरेशन हो गया हमारे गांव के लोग जो इधर बंदे हैं ना उनका भी काम कर रहे हैं। पर मोदी जी हैं उन्होंने ये बात भी बोली है कि आप लोग एक बार इम्प्लीमेंट होने दो अगर कुछ कमी लगती है तो वो ये जो है आंदोलन ये जो बिल वापस बिल्कुल झूठ है वो अगर कानून रह जाते हैं तो फिर तो हम मारे गए हम निकले मारे गए सबकी जाति जाएगी सर अभी बड़े बड़े लोगों का पूंजीवादी लोगों का राज होगा और डंडे से हकेंगे आप लोगों को हमारी एजुकेशन छीन ली हमारा सेहत महकमा छीन लिया सारा कुछ छीन लिया रेलवे छीन लिया एयरपोर्ट छीन लिया और खनिज पदार्थ तो 20 साल पहले खरीद लिए तो जापान की कंपनी है जो 400 रुपये क्विंटल को ले कर जा रही है खींच के तो ये दूसरे देशों को बेचे जा रहे हैं। सर जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उन्होंने परसों हरियाणा में आप लोगों के लिए एक बजट निकाला है जिसमें कि कुल बजट जो है वो 6110 करोड़ का है जिसमें से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि 2998 करोड़ सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए झूठ है बिल्कुल झूठ है। हो सकता है कुछ दे दिया हो किसानों को लुभाने के लिए जैसे मिलिट्री वालों को सेंटर के एम्प्लॉयज को डीए की किस्त अभी जारी किया है बोला 3 किस्तें जो पेंडिंग थी 1 साल से उनको अभी जारी किया है वो जुलाई 1 को मतलब रिलीज होगी जुलाई 1 को तो 4 किस्तों के रूम में अभी डीए मिलेगा। अगर नहीं करता था तो सेंटर को पता था ये मिलिट्री हमारे बरखिलाफ हो जाती है तो हम हरे हरे हैं बात ये है। मैं मानसवी शर्मा कैमरामैन हिमांशु के साथ और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर।